ऑल्सो यू नो ये भी बातें हो रही मैम कि रिया चक्रवर्ती जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम जब उन्हें इंटेरोगेट किया गया 9 घंटे तक उन्होंने बहुत सारी चीजें छुपाई। उसके बाद जब सुशांत की जो बिजनेस मैनेजर हैं उन्होंने जब अपनी बयान दी तो उन्होंने कहा कि सुशांत ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और सुशांत, सिर्फ ये 3 लोग थे। बोर्ड ऑफ मेंबर्स में तीनों का नाम था लेकिन कंपनी में पूरा पैसा सिर्फ सुशांत का लगा हुआ था और ये बात रिया ने अपने इंटरोगेशन में नहीं बताई जिसके लिए उन्हें दोबारा बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रिया भी बहुत ज्यादा चीजें छुपा रही है। 3-4 बार उन्हें इंटेरोगेट किया गया, उसके बाद भी हर बार कोई ना कोई नई बात निकल कर आती है जो कहीं और से पता चलती है। तो अच्छी बात है, इनको और इंटरोगेट करो, इनको जेल भेजो, अगर इनको जेल भेजना है इनके ऊपर केस फाइल करो, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अगर गलत किया है शी इज लायबल टू पनिशमेंट। नोबडी शुड बी स्पेयर्ड हु इज इन्वॉल्व्ड इन द सो कॉल्ड सुसाइड और व्हाट वी से मर्डर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि अगर कंपनी में सारा पैसा सुशांत का लगा है, क्योंकि सुशांत के पास ही पैसा होगा, रिया चक्रवर्ती ने क्या काम किया है मैं तो उसको जानती तक नहीं थी। अभी मुझे जाके पता चला कि वो जो फ्लॉप फिल्म जलेबी रिलीज हुई थी उसकी एक्ट्रेस थी जो भट्ट कैंप ने प्रोड्यूस करी थी। सो आई नेवर न्यू हु रिया चक्रवर्ती इज टिल दिस होल सुशांत सिंह इंसिडेंट हैपेंड। सो रिया चक्रवर्ती ने तो कोई पैसा कमाया नहीं है अभी तक। सो अगर सुशांत सिंह राजपूत का पैसा यूज किया गया है और इस कंपनी के अंदर उनको डायरेक्टर बनाया, उनके भाई को डायरेक्टर बनाया, ठीक है इंटेंशंस अच्छे हो सकते हैं, बट शी इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव आउट इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। द पुलिस विल ऑब्वियसली डिग इंफॉर्मेशन, तुम आज नहीं बताओगे तो कल कहीं और से पता चल जाएगी, और ये ऑब्वियसली शक की सुई ऐसे लोगों पे ज्यादा डालेगी क्योंकि आप इंफॉर्मेशन को विथहेल्ड कर रहे हैं। सो यस, शी शुड बी इंट्रोगेटेड एंड शी शुड बी पनिश्ड इफ शी इज गिल्टी।